हर हर महादेव जय श्री शंभु। आज के वीडियो में जानेंगे देवी देवताओं के नाम से जब हम दीपक लगाते हैं कब लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, कब गोल बत्ती का दीपक लगाएं। जैसे कि हम सुबह शाम जो है प्रत्येक देवी देवता अपने पितृ, अपने इष्ट और साथ ही हमारे जो पूजनीय पेड़ बताए गए हैं शास्त्रों में, वृक्ष बताए गए हैं जिनमें देवी देवताओं का वास माना जाता है, जैसे पीपल, तुलसी, केला, बड़ वृक्ष, इनमें कैसी बत्ती का दीपक लगाना चाहिए, लंबी बत्ती या गोल बत्ती, इसका शास्त्र क्या नियम कहता है, साथ ही गुरुदेव ने भी हम सभी को जानकारी दी है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति कोई भी व्रत, पूजा पाठ हो, कोई भी उपाय हो, उसमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करता है। दीपक प्रज्वलित किए बिना कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ऐसे में मनोकामना पूर्ति के लिए सही तरीके से लगाई गई दीपक, उसकी बत्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप सभी को यह ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए कि कब लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, कब गोल बत्ती का दीपक लगाएं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कोई वृक्ष होता है, जैसे कि माता तुलसी का वृक्ष है, बड़ का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, तो यहाँ पर कैसी बत्ती लगेगी यह ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप सभी को गोल बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। जैसे कि आप माता तुलसी का पूजन कर रहे हैं, बड़ का पूजन कर रहे हैं, आंवले वृक्ष का पूजन कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कोई भी वृक्ष हो वहाँ पर गोल बत्ती का प्रमाण मिलता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो आप सभी जब भी सुबह शाम दीपक लगाएं किसी भी पेड़ के नीचे, तो आप सभी गोल बत्ती लगाया करें, भले ही घी का लगाएं या तेल का लगाएं, ठीक है। अब आप सभी माता दुर्गा, माँ भगवती, माता रानी की, माता पार्वती या माँ काली या किसी माता रानी के स्वरूप को अगर दीपक लगाते हैं तो कैसी बत्ती का दीपक लगाएं। आप सभी को यहाँ पर लंबी बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। आपने देखा होगा चार अंगुल की बत्तियां आती हैं, लंबी जो बत्तियां होती हैं। देवी का अगर कोई भी पूजन होता है उसमें कुल देवी भी हो या माँ लक्ष्मी का पूजन हो या माता दुर्गा की किसी भी स्वरूप, अर्थात देवियों के नाम के जो दीपक लगाए जाते हैं वह लंबी बत्ती के लगते हैं, इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। जब भी आज से आप कोई व्रत करें, कोई विशेष पूजा पाठ करें या किसी भी देवी माँ का दीपक लगाएं, माता रानी का खास तौर पर, इससे वंश वृद्धि होती है, लक्ष्मी में वृद्धि होती है। तो लक्ष्मी वृद्धि, वंश वृद्धि के नाम के जो दीपक, अर्थात माता रानी के कोई भी स्वरूप हो, माँ के स्वरूप में कोई भी चीज हो, कुल देवी हो, उनके नाम की लंबी बत्ती लगती है, ठीक है। यह हो गई लंबी बत्ती की बात। अब गोल बत्ती कहाँ पर लगती है, जैसे कि श्री हरि विष्णु, हनुमान जी महाराज, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शालिग्राम जी महाराज, हनुमान जी महाराज, या किसी भी देवता के नाम का जब आप दीपक लगाते हैं तब वहां पर लगती है गोल बत्ती। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे गोल बत्ती क्या होती है और लंबी बत्ती क्या होती है। तो जब भी आप अपने देवता के नाम से, ऐसे गुरुदेव के नाम के लगा रहे हैं, कई जो है अपने गुरु के नाम से दीपक लगाते हैं, रोज लगाते हैं अपने गुरु के आगे, तो उनके नाम की भी जो है गोल बत्ती लगेगी, अर्थात जो देव पुरुष होते हैं उनके नाम का हमेशा ही गोल बत्ती का दीपक लगाया जाता है। जो देवी माँ होती हैं अर्थात देवीय शक्तियाँ होती हैं, उनके नाम का लंबी बत्ती का दीपक लगाया जाता है। साथ ही मैंने जैसे बताया आप बड़ के पेड़ में लगा रहे हैं, जैसे ये जगह होती हैं, और विशेष वृक्ष केले वृक्ष के नीचे लगा रहे हैं, हम देखिए शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं वहाँ पर जो है गोल बत्ती का प्रमाण मिलता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा, हमेशा आपके काम आएगी। देखिए दीपक तो हर कोई लगा लेता है, परंतु उसकी सही विधि नहीं जानते हुए कई बार हम जो है उसका उचित फल प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसे में इसका प्रामाणिक जानकारी है, ये शास्त्र विधि, इसकी शास्त्र प्रमाण मिलता है, और साथ ही हमारे गुरुदेव बताते हैं, तो यह जानकारी उत्तम ही होगी। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि रोज आपको पूजा पाठ का सही उचित फल मिले, तो इस बात को नोट करते हुए चलिएगा, ध्यान में रखते हुए चलिएगा, पूजा पाठ का आपको पूर्ण फल इससे मिलेगा, ठीक है। इस तरह से यह जानकारी थी कब गोल बत्ती का दीपक लगाएं, कब लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। अब आपके मन में कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछिए कमेंट्स के द्वारा, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। इस तरह से यह प्रामाणिक जानकारी थी, वीडियो मददगार रही हो तो हर हर महादेव जरूर लिखे, और आप यह भी बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।